बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ सिका सिंह फ्रॉम बिहार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है। पीस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको ये सॉल्व करना है। ये चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन नॉट डिग्री वन। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन में पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे, यानी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि हम लोग जानते हैं पी की वैल्यू डी वाई और डी एक्स होती है, और इसको हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर के लिए फर्स्ट एंड लास्ट देखेंगे, जिसका कोएफिशिएंट वन और सिक्स है, और इनका इनटू आएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसकी हाफ पावर यहाँ बीच में लिखी होगी, और इनका कोएफिशिएंट वन है, तो वन लाना है। सिक्स को लिख सकते हैं थ्री, सिक्स हो गया, ये सिक्स को लिख सकते हैं थ्री इंटू टू, थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन जो कि हमें फाइंड लाना था वो आ चुका है। लेकिन प्लस का लाना है तो बड़ी क्वांटिटी प्लस की, ये माइनस कर देंगे एक्स वाई पी, तो एक्स वाई पी यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इससे इस वन एक्स वाई पी की जगह पर इन दोनों को लिख देंगे थ्री और टू को। फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म को भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हमें लिखना है थ्री एक्स वाई पी और माइनस का टू एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। अब तीन टर्म की हमने ये चार टर्म बना लिए, टू टू के दो दो के पेयरिंग हो जाएगी, और इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। यहाँ पर पी एक्स कॉमन है, तुम्हारे पास बचेगा पी एक्स प्लस का पी एक्स बाहर हो जाएगा, थ्री वाई बचेगा। इसी तरीके से माइनस थ्री टू कॉमन लेंगे, और साथ में वाई भी कॉमन आ रहा है, तो एक्स पी और प्लस का हो जाएगा थ्री वाई। ये दोनों सेम होना चाहिए, और यहाँ से हम माइनस का निशान है, दो टर्म है, यहाँ से हम एक्स पी सॉरी यहाँ पर हमने जब वाई कॉमन लिया था तो पी पी एक्स बचा था, यानी एक्स पी बचा था, तो एक्स पी या पी एक्स बात एक ही है, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमने पी एक्स प्लस थ्री वाई को इन दोनों को यानी ये बाहर ले लिया, तो बचा हमारे पास पी एक्स माइनस का टू वाई इजिकल टू ज़ीरो। अब इनको अलग अलग इंटू ज़ीरो है, तो अलग अलग ज़ीरो के बराबर पुट करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हमने फर्स्ट वाले फैक्टर को पी एक्स प्लस थ्री वाई को ज़ीरो के बराबर पुट किया, तो इससे हमारा जो पी की वैल्यू आएगी, यानी पी एक्स इजिकल टू माइनस का थ्री वाई, देयरफॉर पी की वैल्यू, या हम इससे पहले वाई की वैल्यू यहाँ पर पी की वैल्यू रख देते हैं। पी की वैल्यू है डी वाई वो डी एक्स इंटू में एक्स चल रहा है इक्वल टू माइनस थ्री वाई। अब वेरिएबल को यहाँ पर सेपरेट करेंगे, एक्स वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और वाई वैल्यू को उधर। ध्यान रहे कि डी एक्स और डी वाई न्यूमरेटर में होने चाहिए, इसलिए हम वाई को इस वाई को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो डी वाई अपान में हो जाएगा वाई, और इस माइनस का थ्री है, और डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे अपान में जाएगा एक्स, इधर कर लिया। अब दूसरा जो फैक्टर था उसको भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, फिर अगले पेज पे करना हमको पी एक्स माइनस टू वाई बराबर ज़ीरो। इससे हम पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, साइड से ही कर लेंगे यहाँ पर टू वाई, और पी की वैल्यू चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स होती है, अब यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, डी वाई की तरफ वाई वाले टर्म को ले जाएंगे, इसी तरीके से जैसे इधर किया था डी वाई अपान वाई, और ये टू इंटू डी एक्स अपान एक्स, और दोनों साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों ही का। तो फर्स्ट वाला जो टर्म था उसमें जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन वाई इंटू डी वाई, और थ्री बाहर ले लेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड में, वन अपान एक्स इंटू डी एक्स, ये पहला वाला था, और दूसरा यहाँ पर माइनस का थ्री था, और दूसरा वाला जो है वो इंटीग्रेट करना है हमको वन अपन वाई इंटू डी वाई इजिकल टू, और इधर कोएफिशिएंट टू है, और वन अपन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम वन अपन वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि लॉग वाई हो जाएगा, माइनस थ्री बाहर है, और वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट भी जोड़ लें वो लॉग सी यहाँ पर ऐड कर लें। यहाँ पर वन अपन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा, और टू बाहर चल रहा है, वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट लॉग सी ऐड कर लें, दोनों में कांस्टेंट एक ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन है, तो वन ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, और इसको दोनों को मिलाना चाहते हैं तो थ्री पावर को
इसके ऊपर ले जाएंगे यानी माइनस थ्री पावर को ले जाएंगे तो एक्स बार माइनस थ्री हो जाएगा प्लस का लॉग सी हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ये लॉग वाई इज इक्वल टू चल रहा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग सी। तो लॉग दो बार हैं, एक बार लिखेंगे और ये जो होंगे लॉग के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्स सी की पावर माइनस एक्स, ये लॉग वाई के कुल चल रहा है। और राइट हैंड साइड वाला भी लॉग वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सी और एक्स स्क्वायर का दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लॉग से लॉग को दोनों साइड हटा देंगे, एंटी लॉग लेने पर वाई की वैल्यू आ जाएगी सी एक्स की पावर माइनस का थ्री, और इस तरफ भी देखेंगे वाई की वैल्यू हो जाएगी सी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पावर को अगर प्लस करेंगे तो अपान में लिख देंगे एक्स क्यूब हो जाएगा वाई बराबर चल रहा है, और इसको इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे राइट से लेफ्ट तो माइनस को हो जाएगा एक्स स्क्वायर और राइट में जीरो बचेगा। इसमें एक्स का इधर इंटू करेंगे एक्स क्यूब वाई और इजिकल टू सी है, सी को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स क्यूब वाई माइनस का सी और बराबर जीरो, और उधर वाला चल रहा था वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। और इनका आंसर जो हमें लेना है सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स क्यूब वाई माइनस लेफ्ट में लेफ्ट का इंटू कर देंगे और राइट में राइट का इंटू कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।